नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन काल में बहुत सारे उपाय किए हैं, बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारी विश्वास किया है, लेकिन दोस्तों आपके जीवन काल में अभी भी परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को बता दें कि इन सभी के करने के बाद भी आपको एक चीज़ अपने जीवन काल में और करनी है कि दोस्तों, अगर हम सब कुछ कार्य करते हैं फिर भी हमारा भाग्य क्यों नहीं बदल रहा है। ये दोस्तों, इनमें भगवान का ज़रूर कोई ना कोई संकेत होता है जो कि हमारा भाग्य बदल देता है। जी दोस्तों, दोस्तों आप सभी को बता दें कि भगवान करोड़पति बनने से पहले इस राशि के जातकों को देते हैं यह संकेत। जी दोस्तों, अगर आपको भी मिल रहे हैं तो दोस्तों खुशियां मनाने में लग जाइए कि दोस्तों आप बहुत ही जल्द करोड़पति बनने वाले हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे जीवन काल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जिनसे दोस्तों हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर हमारे भविष्य में क्या होने जा रहा है या फिर क्या होने वाले हैं। जी दोस्तों, भगवान हमें कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिससे हम यह आकलन कर सकते हैं कि हमारे जीवन काल में, हमारे आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा होने वाले हैं या दोस्तों कुछ बुरा होने वाले हैं। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि दोस्तों भगवान करोड़पति बनने से पहले क्या संकेत देते हैं। अगर दोस्तों इसमें से आपको एक भी संकेत मिल जाए तो दोस्तों समझ लीजिएगा कि आपके दिन पलटने वाले हैं, आप बहुत ही जल्द करोड़पति बनने वाले हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों क्या करें, क्या नहीं करें और क्या क्या संकेत हैं, सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप शुरू से बस यही निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। जी दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप किसी तरह शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपका पूरा जीवन बदल जाएगा और आप हमें जीवन भर ही याद रखेंगे। उससे पहले दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव रहेगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों जब बच्चे होता है तो दोस्तों जन्म से ही हमारा भाग्य पहले से ही जन्म ले लेता है। यूं कहें कि दोस्तों हमारा भाग्य जन्म से ही लिख चुका होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि दोस्तों भाग्य अनुसार लोगों को माता लक्ष्मी मिलती है, यानी कि दोस्तों पेशा मिलता है, और दोस्तों कई लोग मेहनत करके माँ लक्ष्मी को अपने पास बुला लेते हैं। परंतु दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके द्वारा देखे गए सपने भी कई बार आपके भविष्य में होने वाली शगुन अपशगुन के संकेत देते हैं। इसीलिए दोस्तों आचार्य जी आपको सपने में देखने वाली चीज़ें के बारे में बताते हैं ताकि दोस्तों भविष्य के कुछ संकेतों को आप समझ जाएं और दोस्तों सचेत हो जाएं या दोस्तों करोड़पति बनने का संकेत हो सकते हैं। जी दोस्तों, दोस्तों हर कोई इंसान अपने जीवन काल में अमीर बनना चाहता है, अमीर बनने के सपने देखता है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे कम लोग हैं जो उनके सपने पूरे होते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार माँ लक्ष्मी आने से पहले ही आपको सपने के स्वरूप माता लक्ष्मी संकेत दे देती है और दोस्तों कभी कभार साक्षात भी। लेकिन दोस्तों यह आप पर निर्भर करता है कि दोस्तों आप उसे किस रूप में लेते हैं। इसलिए दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताने वाले हैं जो आपको बताते हैं कि दोस्तों आप करोड़पति बनने के बहुत ही करीब आ चुके हैं और दोस्तों आप पर माँ लक्ष्मी मेहरबान होने वाली है। दोस्तों ध्यान से इन्हें सुनिएगा। ये दोस्तों पहला संकेत है कि अक्सर दोस्तों लोग सुबह सबसे पहले उठकर अपने घर में झाड़ू लगाते हैं ताकि माता लक्ष्मी जो है साफ सुथरे घर में आ जाए, क्योंकि झाड़ू और माँ लक्ष्मी का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध होता है। इसी में दोस्तों अगर हम घर से बाहर निकलें और सुबह सुबह दोस्तों कोई व्यक्ति आपको झाड़ू लगाते हुए दिख जाए तो दोस्तों समझ जाइएगा कि माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान होने वाली है और आपके घर में दोस्तों पेशों की बाढ़ आने वाली है। आपके घर में चल रही आर्थिक तंगी बहुत ही जल्द दोस्तों खत्म होने वाली है, पैसे से जुड़े समस्याएं भी खत्म होने वाली है।
तो दोस्तों सुबह सुबह अगर आपके घर के आसपास कोई भी व्यक्ति या फिर बाहर में भी कोई भी व्यक्ति सुबह सुबह दिख जाए झाड़ू लगाते हुए, तो दोस्तों आप यह बात अपने जीवन काल में याद रखिएगा कि माँ लक्ष्मी का संकेत आपको मिल चुका है और आपके जीवन काल में बहुत ही खुशियों की आपको प्राप्ति होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों आपको दूसरा संकेत बता दें। आमतौर पर दोस्तों घर के मंदिरों में सभी के यहाँ शंख होता है। शंख को दोस्तों बहुत ही सादर शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में दोस्तों मान्यता है कि माता लक्ष्मी को शंख की ध्वनि बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसी में दोस्तों अगर आपको सुबह सुबह किसी से आपके कानों में शंख की ध्वनि सुनाई दे तो दोस्तों समझ जाइएगा कि दोस्तों आपकी झोली अब भरने वाली है। दोस्तों बहुत ही जल्द वह पेशों से लबालब होने वाली है। आपके जीवन काल में दोस्तों जो भी पेशों को लेकर समस्याएं हैं वह खत्म होने वाली है और पेशों की बौछार अब आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं। जी दोस्तों आपके दिन अब बदलने वाले हैं। जी दोस्तों, दोस्तों अगर आपको सवेरे सवेरे शंख की ध्वनि सुनाई दे तो माँ लक्ष्मी आपके द्वार पर आने वाली है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इन बातों को कि शंख की ध्वनि सुनाई दे तो दोस्तों आपको तैयार होना है अपने जेब पेशों से भरने के लिए। जी दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों आपको अगला संकेत बता दें। जी दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस इंसान को अपने सपने में मुकुट मुंगा हार आदि दिखाई दे या फिर दोस्तों उल्लू गाय दिखाई दे तो दोस्तों इनसे भी आप समझ जाइएगा दोस्तों आपके घर में माँ लक्ष्मी आने वाली है, माता लक्ष्मी का वास होने वाले हैं। जी दोस्तों, या दोस्तों अगर कहें प्रमोशन हो सकता है, धन में वृद्धि हो सकती है, दोस्तों आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में और आगे बढ़ सकता है, आपके परिवार में कोई भी किसी भी कार्य में कार्यान्वित है तो दोस्तों उनका वहां पर भी प्रमोशन हो सकता है, धन में वृद्धि होने वाली है, इनसे आप समझ सकते हैं। यदि दोस्तों यह संकेत के शुभ अवसर आपको मिल सकते हैं और ऐसे संकेत मिलते हैं तो दोस्तों आप जान लीजिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी विराजमान है। दोस्तों आपको यह सभी संकेत दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तों आप ज़्यादा परेशान न हो और अगर आपके जीवन काल में कोई भी समस्याएं, कोई भी दुख चल रही है तो दोस्तों वह बहुत ही जल्दी खत्म होने वाले हैं और आपके घर अचानक से बहुत ही जल्दी पेशों की समस्याओं से, आर्थिक तंगियों से, आपके जीवन काल में हर समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने वाले हैं। जी दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अचानक सुबह सुबह अगर आपके घर में कोई भी दोस्तों भिखारी आ जाए, कोई भी गाय को लेकर, कोई भी ऐसे चीज़ को लेकर जो कि माँ लक्ष्मी को ज़्यादातर पसंद है तो दोस्तों आप उन्हें बिल्कुल ही खाली हाथ न लौटाएं, क्योंकि दोस्तों यह भी माँ लक्ष्मी का संकेत है आपको परीक्षा लेने की। तो दोस्तों उन्हें भी आप कुछ ना कुछ अवश्य ही दान करें जितना आपसे हो सके, इनसे दोस्तों माँ लक्ष्मी के जो भी आपकी परीक्षाएं वो भी सफल होंगी और आपके जीवन काल में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों एक संकेत और आता है कि जब भी आपके जीवन काल में कोई छोटी बच्ची आपको हंसकर लगातार देखती हो, जी दोस्तों आपके घर के भी छोटी बच्ची हो सकती है या फिर बाहर में भी आप कहीं जाते हैं, आपके पड़ोस में भी कहीं भी जाते हैं, अगर आपको छोटी सी बच्ची हंसकर देखता है तो दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा संकेत है आपके भाग्य चमकने का, आपके भाग्य खिलखिलाने का। जी दोस्तों, इनसे आपको समझना है कि अब आपका भाग्य बहुत ही जल्दी चमकने वाला है और ईश्वर का आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना है कि जब भी ऐसे संकेत आपको दिखे तो दोस्तों छोटी कन्याओं को, कम से कम 9 कन्याओं को आप लड्डू जरूर खिलाएं। प्रसाद के रूप में आप लड्डू लगातार 3 शुक्रवार तक खिलाएं। इनसे दोस्तों माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगी और आपके जीवन काल में सदैव कृपा बरसाएंगी। और दोस्तों 3 शुक्रवार तक आप गायत्री मंत्र का भी एक एक माला जाप कीजिए, दोस्तों निश्चित ही आपका भाग्य बदल जाएगा। जी दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है। दोस्तों कमेंट में 3 बार जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि और ऐसी अधिक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।